नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके पैनोरमा लर्निंग चैनल में। जैसा कि हम आपको ईवीएस पढ़ा रहे हैं काफ़ी समय से, तो आज आपकी क्लास हम लेंगे इम्पोर्टेंट डेट्स को लेकर। आपने विगत जितनी परीक्षाएं दी होंगी या देने वाले होंगे, उनमें आप पाएंगे कि एक या दो क्वेश्चन हमेशा आपको इम्पोर्टेंट डेट्स के रूप में मिलते हैं। या तो उनकी थीम पूछी जाती है या उनकी डेट पूछी जाती हैं। चलिए शुरू करें दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो उसका आंसर है 12 अगस्त। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस जो 11 जुलाई को मनाया जाता है, उसका 2018 का मुख्य विषय क्या था, मतलब सब्जेक्ट क्या था? तो उसका विषय था परिवार नियोजन एवं मानव अधिकार है। 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 का मुख्य विषय क्या रहा? उसका विषय रहा हिंदी विश्व और भारतीय संस्कृति। भारत द्वारा वर्ष 2018 को किस रूप में मनाया गया? तो भारत द्वारा वर्ष 2018 मनाया गया नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, मतलब राष्ट्रीय कदन वर्ष। विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया गया? 29 अगस्त को। विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया 10 अगस्त को। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 18 जुलाई को। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को। आतंकवाद निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? 21 मई को। अब आपको सिर्फ हम इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट लेंगे, लेकिन बहुत सारे हैं इसमें। जैसे कि विश्व रेडक्रॉस दिवस कब मनाया गया? 8 मई को। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया गया? 20 मार्च को। 11 जुलाई सन 2018 को संपूर्ण विश्व में विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। 11 जुलाई को हम लोग मनाते हैं विश्व जनसंख्या दिवस। तो उसका विषय क्या था? परिवार नियोजन एक अधिकार है। अब अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया 7 जुलाई को। 21 जून को आप सबको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो सन 2018 में जो 21 जून योग दिवस मनाया गया, उसका मुख्य विषय क्या रहा? शांति के लिए योग। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया? 20 जून को। और विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया दोस्तों? 14 जून को। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया? 12 जून को। अब आप पाएंगे कि ये विश्व पर्यावरण दिवस जो हम 5 जून को मनाते हैं, उसकी मेजबानी किस देश को सौंपी गई थी? तो दोस्तों उसकी मेजबानी सौंपी गई थी भारत को। और हम सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे इसमें। जैसे कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया? 31 मई को। विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया दोस्तों? 23 मई को। अब देखते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 3 मई को। यह मनाया जाता है हर साल 3 मई को। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 25 अप्रैल को। एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि 7 अप्रैल को हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। तो सन 2018 में जो हमने विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, उसका मुख्य विषय क्या रहा? तो दोस्तों उसका मुख्य विषय रहा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, एवरीवन और एवरीवेयर, सार्वभौमिक स्वास्थ्य आच्छादन, हर व्यक्ति हर जगह। विश्व पृथ्वी दिवस दोस्तों 22 अप्रैल को मनाया गया। ये ईवीएस में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो हमेशा आता भी दोस्तों ये 22 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? 8 मार्च को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को। विश्व रेडियो दिवस मनाया गया 13 फरवरी को। अब हम यहाँ देखते हैं विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को। सन 2018 में जो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस हम मनाते हैं, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस हम मनाते हैं 24 दिसंबर को, लेकिन सन 2018 में जो मनाया गया वो 24 दिसंबर 2018 को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया गया 3 दिसंबर को। और विश्व एड्स दिवस हम लोग 1 दिसंबर को मनाते हैं। विश्व शिक्षक दिवस हम मनाते हैं दोस्तों 5 अक्टूबर को। और दोस्तों सिर्फ इसमें हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस हम कब मनाया गया दोस्तों? 2 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया गया दोस्तों? 11 दिसंबर को। विश्व मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया दोस्तों 11 दिसंबर को। विश्व मृदा दिवस मनाया गया 5 दिसंबर को। संविधान दिवस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 26 नवंबर को मनाया गया। विश्व शौचालय दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 19 नवंबर को मनाया गया। ये मनाते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं हम लोग 31 अक्टूबर को। और क्या देखते हैं हम देख पाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है हम 2 अक्टूबर को मनाते हैं। ये आपको दोस्तों सिर्फ बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें, आप चाहे सारे पढ़ सकते हैं, पर आपको हम सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं जिससे आपको कम समय में ज़्यादा फायदा हो सके। विश्व सांख्यिकी दिवस हम मनाते हैं दोस्तों 20 अक्टूबर को। विश्व खाद्य दिवस हम मनाया गया हमने 16 अक्टूबर को। अब अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हम मनाते हैं 11 अक्टूबर को। वर्ल्ड सिटीज डे 31 अक्टूबर। अब देखिए, हर साल 14 दिसंबर को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? तो मनाते हैं हम हिंदी दिवस। अब संविधान निर्माताओं ने हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में घोषित किया था 14 सितंबर 1949 को, इसलिए हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अब आपके जहन में एक सवाल होगा कि हम जो 5 सितंबर को हम जो हम लोग राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं, वो किस महान शिक्षाविद के जन्मदिन पर मनाते हैं? मतलब कौन महान शिक्षाविद थे या शिक्षक थे जिनके जन्मदिवस को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं? तो थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाते हैं? 21 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 15 सितंबर को। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई। आज का लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए, वर्ष 2018 में जो हमने अर्थ ओवर शूट डे मनाया गया है,